खेलो इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों को लाया जा रहा है और उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर तीरंदाजी का भविष्य उज्ज्वल नजर आता है आनंद। जी हाँ, नजरें बनाए रखिए। झारखंड की अंशिका कुमारी सिंह ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था एलिमिनेशन मुकाबलों में। अंशिका कुमारी सिंह ऑफ झारखंड, वासिष्ठ आगे नंबर टू, संगीता ऑफ हरियाणा, एंड द लाइन जज फॉर दिस मैच हितेश कुमार, टारगेटर हरेश कुमार, एंड स्कोरिंग जज ओंखेली। थैंक यू। झारखंड बनाम हरियाणा, हरियाणा की संगीता ने अवनी को मात देकर इस स्वर्ण पदक के मुकाबले में जगह बनाई थी। अंशिका की बात करें तो यूथ इंटरनेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में बढ़िया प्रदर्शन कर यहां आई हैं और ये पहले सेट का खेल शुरू होता हुआ। पहले सेट में दोनों ही खिलाड़ियों की कोशिश ये होती है कि कुछ अच्छे अंक हासिल किए जाएं और बढ़त बनाई जाए, और उस बढ़त का मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है ओपोनेंट के ऊपर। शुरुआत कर रही हैं संगीता और शुरुआत 8 अंकों के साथ हुई है। और यहां पर जो शुरुआत की नर्वसनेस है वो दिखती हुई संगीता पर, 7 अंक पर निशाना साधा है। अवसर जरूर होगा यहां पर बढ़त बनाने का। एक और 8 पर निशाना, लगातार दूसरा निशाना संगीता का आता हुआ 8 पर। अंशिका ने इस बार 8 पर निशाना साधा है और इस समय 1 अंक की बढ़त पर हैं संगीता। 70 मीटर की दूरी से निशाने साधे जाते हैं रिकर्व स्पर्धा में। बढ़िया स्टांस, एल्बो की पोजीशन बहुत ही बेहतरीन, और एक परफेक्ट 10 आता हुआ संगीता की तरफ से, और परफेक्ट 10 अंशिका के तरफ से भी आता हुआ। लेकिन ये पहला सेट जाएगा हरियाणा की संगीता का, संगीता के पक्ष में, चूंकि कुल मिलाकर 25 अंक झारखंड ने बनाए और 26 अंक संगीता के नाम रहे, तो 2-0 की बढ़त पर चली गई हैं हरियाणा की संगीता। और अब वापसी की राह तलाशनी होगी इस संगीता की, क्योंकि हमने देखा कि कांस्य पदक के मुकाबले में सुबह झारखंड की जो जोड़ी थी जयंत तालुकदार और कोमालिका बारी की मिक्स टीम में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई, और अब यहां पर अंशिका। संगीता 2-0 से आगे हैं। क्या संगीता अपनी बढ़त को बरकरार रख पाएंगी या फिर अंशिका जो हैं वो वापसी करने में सफल होंगी। शुरुआत अच्छी हुई है 10 अंकों के साथ संगीता की। जवाब इसका कितने अंकों के साथ देती हैं संगीता, और अच्छी शुरुआत नहीं हुई है संगीता की, 7 अंक। तो बढ़त पर हैं अंशिका और इस बढ़त को आगे ले जाकर इस सेट को अपने नाम करने की कोशिश करेंगी। 9 अंकों पर निशाना साधा है। बढ़िया स्टांस और होल्डिंग पोजीशन देखिए, बिल्कुल परफेक्ट के करीब। 10 अंक पर निशाना साधते हुए संगीता, परफेक्ट 10। और बहुत खराब प्रदर्शन अंशिका की तरफ से आते हुए, 4 पर चली गई हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ 7 अंक चाहिए और यह दूसरा सेट भी चला जाएगा संगीता के नाम। 9 अंक, तो इसका मतलब 23 अंक हासिल किए झारखंड की टीम ने और 26 अंक हासिल किए संगीता ने। तो शुरू के 2 शॉट 10 और 9 के बाद मोमेंटम खो दी संगीता ने और 4-0 की बढ़त हो गई है जसवंत और इस समय के नाम। जी हाँ आनंद, ठीक कहा आपने। और इस समय
झारखंड की अंशिका कुमारी का मुकाबला चल रहा है फाइनल में संगीता के साथ रिकर्व में। हम आपको बतला दें कि अंशिका ने प्रीति यादव गुजरात की खिलाड़ी को हराया, फिर आयशा पंजाब को हराया और उसके बाद उन्होंने सिमरनजीत कौर पंजाब को पराजित करके फाइनल में जगह बनाई थी। भजन कौर को तीसरे चक्र में उन्होंने हराया था। इसी प्रकार हरियाणा संगीता ने पंजाब की जसमीत कौर, चंडीगढ़ की गुरमेहर कौर को, झारखंड की दीप्ति कुमारी को, सेमीफाइनल हरियाणा की अवनी को पराजित करके फाइनल में जगह बनाई थी। चार शून्य की बढ़त। संगीता और एक बार आठ, अंशिका झारखंड की खिलाड़ी 20 वर्ष की है। सेवन संगीता 22 वर्ष की, ओवरऑल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थी जबकि अंशिका 9वें स्थान पर थी। और इस बार झारखंड की अंशिका ने मामूली अंतर से ये तीसरा सेट जीत लिया है। 25 अंक बनाए और 24 अंक पर रही संगीता, तो जो वापसी करने की दरकार थी वो वापसी करने में सफल हुई है अंशिका और इस मुकाबले में कम से कम अभी के लिए तो बनी हुई है। बहुत बढ़िया अवसर था अगर संगीता के नजरिए से देखें तो, अगर वहां पर परफेक्ट 10 पर निशाना लगता तो स्वर्ण पदक संगीता के नाम हो जाता, लेकिन जब 10 अंक की जरूरत थी तो निशाना लगा है 8 पर और अब ये मुकाबला चौथे सेट तक आगे बढ़ गया है। आनंद, ये 70 मीटर पर टारगेट रखा गया है। 3-3 एरो अल्टरनेट शूट करने के लिए दोनों तीरंदाजों को दिए जाते हैं और 20-20 सेकंड का समय होता है। 20 सेकंड के पहले अगर वो समाप्त कर लेते हैं अपने तीर को छोड़ने का काम तो फिर दूसरे खिलाड़ी को अवसर मिलता है। 5 सेट का यह मुकाबला और जो खिलाड़ी 6 अंक पहले प्राप्त कर लेते हैं वो विजयी होते हैं। सेट नंबर 4 की शुरुआत होती हुई यहां पर, यह है फाइनल मुकाबला 36वें राष्ट्रीय खेल में रिकर्व के महिला सिंगल्स का। 9 पर शूट किया है अंशिका ने, एडवांटेज जरूर है इस समय हरियाणा की संगीता के पास, लेकिन यहां पर मैच फिनिश करना चाहेंगी। 9 का जवाब 9 से मिला है, बढ़िया स्टांस, होल्डिंग पोजीशन भी बिल्कुल स्ट्रेट। एक और 9 पर निशाना साधा है अंशिका ने, उम्मीद कर रही होंगी कि थोड़ा सा अपने निशाने से चूकें संगीता और उसी का लाभ मिल सके, लेकिन इस बार परफेक्ट 10 पर निशाना लगाया है संगीता ने और बिल्कुल करीब पहुंच गई हैं स्वर्ण पदक के। 10 से कम में कोई काम नहीं चलेगा और 8 पर निशाना, 8 अंक अगर हासिल कर लेती हैं संगीता तो जीत जाएंगी इस मुकाबले में स्वर्ण पदक। जी हाँ, और 9 अंक पर निशाना लगाया है और हरियाणा की संगीता ने झारखंड की अंशिका कुमारी सिंह को हराकर जीत लिया है स्वर्ण पदक। आज अंशिका का दिन नहीं था लेकिन यहां तक पहुंचना और राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक जीतना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी, लेकिन आज दिन है संगीता का। क्या कमाल का प्रदर्शन किया है, बेहतरीन, लाजवाब, अद्भुत, जीत लिया है स्वर्ण पदक। सही कहा आपने आनंद, और हम आपको बतला दें कि